तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने यहाँ पे अपनी आईडी के अंदर क्राउन टू कर दिया है। यहाँ पे मेरी रैंक चल रही है 400, बट मैं आज चाहता नहीं एस लगाना। क्यों नहीं चाहता हूँ मैं एस लगाना, क्यों नहीं चाहता कि मुझे कल कॉन्करर मिल जाए, वो मैं वीडियो के अंदर आपको आगे बताता हूँ। बट यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा चल रही है। तो कैसे ऑक्सीजन फिर मित्रों, भाई ऑक्सीजन आ चुका है क्राउन टू कॉन कर रैंक पुश कैंप वीडियो लेकर। यहाँ पे आपका रैंक क्या चल रहा है जल्दी से पहले कमेंट शो में कमेंट करके बता दो। यहाँ पे भाई 6 घंटे की लिमिट आपको काफी ज्यादा परेशान कर रही होगी, और यहाँ पे चीटर्स भी वापस कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो चुका है। मुझे चीटर सुबह से काफी ज्यादा मिल चुके हैं, काफी ज्यादा चीटर से फाइट हो चुकी है। यहाँ पे आपको अभी तक कितना चीटर मिला है जल्दी से पहले कमेंट शो में कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे मेरे आसपास काफी सारे बंदे हैं, अब यहाँ पे भाई थोड़ी ही देर में गलत वाला सीन होना स्टार्ट हो जाएगा। टीममेट मेरा यहाँ पे टेकडाउन सीधा यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे पास वाली बिल्डिंग में बंदा होता है, और ये बंदा भाई कुछ गलत ही चोट में था। इसको यहाँ पे सीधा टेकडाउन फिनिश देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ ऊपर की साइड। अब पास वाली बिल्डिंग में फाइट हो रहा था, अब गाइस अगर आपका क्राउन 1 या फिर डायमंड 1 या फिर क्राउन पे कहीं पे भी हो थर्ड फोर्थ, तो आपको एक बात याद रखनी है, अभी के टाइम ना चीटर्स आना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है गलत वाला। तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगा के खेलना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जोन के बाहर जाओ, जोन के बाहर जाकर हीलिंग करो, ये करो वो करो, ये सब बताते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इवेंट होता है वहां पे होल्ड करके खेलना है। अगर होल्ड करके खेल लोगे ना तो वहां पे कहीं ना कहीं आप इजी वाले अच्छे खासे किल उठा सकते हो। अगर यहाँ पे इवेंट पे सर्वाइव करते हो तो आपको किल भी मिलेंगे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका टाइम भी जो रिकॉल वाला होता है वो बचा रहेगा, जिसके अंदर आप टेंशन फ्री होकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रश खेल पाओगे और किल उठा पाओगे। यहाँ पे जिस बंदे ने मुझे मारा उसके लिए मैं सीधा आ जाता हूँ दोबारा यहीं पे, और यहाँ पे ये बंदा टेकडाउन सीधा फिनिश हो जाता है किसी और बंदे से। अब यहाँ पे एक बंदा बचा हुआ था। अब यहाँ पे मैं इवेंट के ऊपर क्यों आता हूँ आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं रश खेलता हूँ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग में ये नहीं रहता है कि भाई मेरा माइनस लगेगा या फिर टाइम खराब होगा। यहाँ पे भाई अपने को कॉन्करर करना है अच्छी खासी केडी के साथ करना है, बट यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगा कि गाइस आपको भी रश करके खेलना है। अगर आपके दिमाग में है रश खेलना या फिर आपका मन है रश खेल के कॉन्कर करने का तो आप करो, मैं रोकूंगा नहीं। बट यहाँ पे आपको अगर 4 to 7 days के अंदर कॉन्कर करना है तो थोड़ा टेक्टिक अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है अब से, क्योंकि चीटर आने स्टार्ट हो चुका है। तो आपको इवेंट में थोड़ा किल उठाना है और उसके बाद सर्वाइव के लिए जाना है। जैसे ये वाला मेरा मैच आपने देखा होगा, मैं वहाँ पे अच्छे खासे किल उठा देता हूँ, जो कि 5 किल भाई इनफ है। अभी यहाँ पे कैसे आपको और किल निकालना है वो थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आता हूँ जोन में, पोजिशन अपनी लेके बैठ जाता हूँ, और यहाँ पे देखते जाओ अब यहाँ पे जो बसड़ होने वाली है और सीन होने वाले वो देखो। ये वही बंदा था जिसने मुझे मारा था, इसको यहाँ पे अपन गलत वाला 1v2 देते हैं। कैसा लगा ये 1v2? एक लाइक वाला बटन दबा के जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर जरूर बन जाना। अब यहाँ पे जोन करने का वेट कर रहा था, और लकीली जोन देख लो कितना छोटा हो चुका है, और बंदे देखो लेफ्ट में कितने ज्यादा बंदे अलाइव बचे हुए इस वाले छोटे से सर्कल के अंदर। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई अभी क्राउन पे एस पे या फिर क्राउन 1 पे या फिर डायमंड 1 पे एक अच्छा लोबी देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि प्लेटिनम पे भी एक अच्छा लोबी देखने को मिल जाता है। अगर उस लोबी के अंदर आप 5-6 किल के साथ सर्वाइव कर जाते हो, अच्छा खासा आप सर्वाइव कर जाते हो, कहने का मतलब आप टॉप 5 टॉप 10 निकल जाते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एक अच्छा प्लस निकालने से। खूब रुकिए खूब, वॉच आउट। यहां पे इधर के साथ सामने गाड़ी आ चुकी है, वॉच आउट। इसके से के अंदर बंदा, और अब देखो यहां पे क्या होता है, इसके अंदर बंदा है, वॉच आउट। यहां पे टीममेट को बोलता हूं कि मैं एक नेट ट्राई करता हूं, ध्यान से वॉली कर रहा हूँ एक ट्राई।
बंदे को डैमेज दिया, टीममेट ने उसको फिनिश किया। यहाँ पे इस बंदे को फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे एज टू एज खेलने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। एज टू एज मैं क्यों खेल रहा हूँ वो देख लो। रीजन इसका ये है कि भाई किसी भी लोबी के अंदर आप किसी भी बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते हो। कब आपके मुंह पे भाई वो गलत निकल के आ जाएगा, मतलब समझ लो ना चीट यूज करके आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे सेंटर तो मैंने पहले ले लिया था, बट यहाँ पे इसके बाद मैं सेंटर लेना बंद कर देता हूँ, क्योंकि भाई चीटर्स यहाँ पे कभी भी आ रहा था, पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा बंदा चीटर है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे इधर एक साइड देखो, अब इधर भी सामने साइड फाइट हुआ है, मतलब फायरिंग के साउंड आए हैं और ऊपर भी आए हैं। तो यहाँ पे इन बंदों को जोन में आना था, तो यहाँ पे मैं इन पे ध्यान देना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर ये बंदे जोन में आते हैं तो इजी है इनकी किल उठाने। और यहाँ पे जैसे ही बंदे दोनों के दोनों ओपन आते हैं, हल्का सा इन दोनों को फिनिश करता हूँ। ऊपर की साइड गलत वाला फाइट हो रहा था, जोन में पोजीशन लिया और यहाँ पे किल इनफ वाले थे मेरे पास। टीममेट को मैंने एक ही कॉल दी, एच पे रहना, सेंटर में मत जाना। बंदे भाई काफी ज्यादा कैम करके खेल रहे हैं, छोटा सा सर्कल अलग से हो चुका है। तो यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे वाच आउट लेटा हुआ था। उस साइड टीममेट ने बंदों को फिनिश किया, ऊपर अलग से फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। वहां पे फाइट जैसे ही फिनिश होती है, थोड़ी देर में देखो क्या होता है इधर। अब हमारे पे लो डिप था और सामने वाले बंदों पे हाई ग्राउंड था, तो भाई वो बंदे इजी हमें दिख रहे थे। और यहां पे इधर अभी भी बंदे जोन के बाहर से अंदर आ रहे जोन में, देख रहे हो भाई, मतलब हद हो गई। इस बंदे को फिनिश किया, टू वी टू बचा हुआ था। अब यहाँ पे देखो जो हमारे साथ गलत वाला सीन होने वाला था ना भाई, इस सीन से हम कैसे बचे हैं देखते जाओ। यहाँ पे मतलब भाई किस्मत ही थी कि हम बच गए। देखो यहाँ पे आए, ऊपर स्मोक हो रखा है, हमें लग रहा था कि बंदे ऊपर ही हैं। यहाँ पे एक नेड की पिन खींचता हूँ, टीममेट भी बोली करता है। अब मुझे हल्का सा कहीं ना कहीं लगा कि भाई सामने ऊपर तो बंदा नहीं हो सकता है, क्या अपने पीछे बंदे हैं। ये मेरे टीममेट को कॉल दिया, टीममेट जैसे ही पीछे जाता है, देखते जाओ भाई यहाँ पे क्या होता है। पीछे लेटा है, मार दो जल्दी बताओ। अब यहाँ पे टीममेट की कॉल आती है कि भाई पीछे बंदा लेटा हुआ है, मार दूं क्या? मैं बोलता हूँ इजी है, मैं मार सकता हूँ, आता हूँ रुक जा। यहाँ पे जैसे ही टीममेट के पास गया, एग्जैक्ट उसी पे मार्क किया है, पेड़ के राइट में देखना लेटा। टीममेट का मार्क देखो और मैं यहाँ पे देखता हूँ पत्थर पे गाड़ी या फिर बाइक जो भी था उस पे मारता हूँ, बट वहाँ पे बंदा नहीं होता है। यहाँ पे बंदे को मेरे टीममेट ने फिनिश किया। यहाँ पे मैं 10 HP हुआ, मतलब 30 HP हुआ, हेल मारता हूँ। अब यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं, जो लास्ट बंदा था वो काफी देर से परेशान कर रहा था, दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे डिवाइस यूज किया और यहाँ पे इस बंदे को ढूंढने हम निकल जाते हैं। और देखो इसके ऊपर आके खड़ा, बैठ गया, मारो जल्दी जल्दी, लो बैठ गया, इसके मुंह पे बैठ गया, लो साले तेरा ये ब्लॉक करूंगा मैं। अब यहाँ पे टीममेट उसके मुंह पे था, यहाँ पे फ्री फायर देता हूँ, सीधा वो बंदा फिनिश होता है। ऐसा आप भी यूज कर सकते हो, अगर ओपन में जोन बंदा नहीं दिख रहा हो तो ये वाला डिवाइस यूज करो और सीधा बंदे की लोकेशन लो और सीधा उसको फिनिश करो। जिस तरीके से मेरे टीममेट ने लोकेशन दी, वैसे आप इजी बंदों को फिनिश कर सकते हो। बाकी कैसा लगा गेम प्ले मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। आपका रैंक क्या चल रहा है वो भी बताना, बिल्कुल मत भूलना। रात को लाइव स्ट्रीम पे आने वाला अपन, तो लाइव स्ट्रीम अटेंड जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑक्सीजन फैमिली एंड बाय।